नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। कुछ लोग लगे हुए हैं इस जो पोर्टल की टेस्टिंग हो रही है इसको फेक साबित कर देने में। भले ही अपने वीडियो में वो यूआरएल का पूरा डिटेल देके लोगों तक इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ये फेक है। अरे जब फेक है तो आप इसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं, मेरा ये सवाल है। पहला, जब कोई चीज समझ में नहीं आए तो उस मैटर मैटर को वहीं ड्रॉप कर देना चाहिए, लोगों को नहीं बताना चाहिए। तो लोग एकदम मतलब अपने जिद पे आ गए हैं कि ये पोर्टल फेक है फेक है। तो कोई आदमी, चाहे हम हो चाहे कोई भी यूट्यूबर, अभी तक ये नहीं बताया है कि ऑफिशियल पोर्टल है ये। अभी तक सब लोग यही जान रहे हैं कि इस पे काम चल रहा है और टेस्टिंग के लिए ये पोर्टल बनाया गया था और ये इंटरनल सर्वर है। फिलहाल इसका आईपी लोग को पता हो गया है तो खोल के देख ले रहा है। चूंकि इस पर टेस्टिंग चल रही है तो इसको बदला नहीं जा रहा है, क्योंकि बदलने में फिर टाइम लग सकता है। और कोई लॉस नहीं है लोगों को जान जाने से भी, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि कोई, अगर आप मेंबरशिप नंबर ये और डिटेल डाल रहे हैं तो उसपे ओटीपी आपका आ जा रहा है, अप्लाई हो जा रहा है, ऐसा नहीं है, नहीं हो रहा है। और ना ही हम भी कभी बोले हैं कि जाके आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई तभी करना है जब एडवर्टीजमेंट में बता दिया जाएगा कि कब करना है, किनको करना है और किस साइट पे करना है। तो साइट का भी जिक्र इसमें किया गया है कि cooperation.gov.in पे ही जो आएगा डिटेल सारा रिफंड के नाम से, वहां पे आप अप्लाई करिएगा। इस पोर्टल पे भी नहीं बोला जाएगा रहा है कि ये ऑफिशियल पोर्टल है और यहाँ पे आप अप्लाई शुरू कर दीजिए। इसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा है जो कि लोग तक पहुंचाना चाहिए, तो हम वीडियो बना के आप लोगों को बता दें। इसी क्रम में आज एक चीज और उसमें अपडेट हुआ, जिससे कि बहुत सारा चीज क्लियर हो गया कि जो जिनका मैच्योरिटी अभी नहीं पूरा हुआ उनका क्लेम इसमें नहीं जाएगा। एक अपडेट आया है इसी लीक्ड पोर्टल के अनुसार कि चारों सोसाइटी अपना अपना डिक्लेरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर, आईटी हेड और चेयरमैन के साइन से इस पे अपलोड किया गया है। और उसमें ये डिक्लेयर किया गया है सोसाइटी के तरफ से, जो कि हम डाटा अभी तक स्टॉक होल्डिंग और सीआरसी को दे रहे हैं अपने जमाकर्ताओं का, वो सही एवं ऑथेंटिक है। इसमें अगर किसी तरह की गड़बड़ी या अल्टरेशन पाया जाएगा तो हम पे सिविल और क्रिमिनल दोनों केस किया जा सकता है। एक तरह का डिक्लेरेशन ले लिया गया सीआरसी के द्वारा कि जो डाटा सहारा ने प्रोवाइड कर दिया है और डॉक्यूमेंट्स भी, वो सही है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हर एक सोसाइटी के इसको सर्टिफाई कर रहे हैं और ये लेटर 3 जुलाई 2023 के डेट में दिया गया है सीआरसी को और स्टॉक होल्डिंग। ये अपडेट है। और इस लेटर में है क्या है, यही चीज कि कट ऑफ डेट इस लेटर से पता चल रहा है कि कब तक मैच्योरिटी का आप क्लेम कर सकते हैं। तो यही अपडेट आप लोगों को करना था, कोई बड़ा न्यूज नहीं है, लेकिन ये है कि क्लियर हो गया कि 31 मार्च 2023 तक जिनका पेमेंट ड्यू है, चाहे वो एमआईएस का हो, मैंने पेमेंट ड्यू हो या मैच्योर्ड हो, और पेमेंट के लिए वो सहारा में क्लेम कर सकते थे अगर सहारा का ऑफिस खुलता, तो केवल उन लोगों का ही डाटा स्टॉक होल्डिंग को दिया गया है। अगर आप अप्लाई करने जाइएगा तो हो सकता है कि जिनका मैच्योरिटी नहीं पूरा हो, वो मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर जो सहारा का है डालिएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा प्रोसेस की, वो वहीं पे आपको रोक देगा कि आपका मैच्योरिटी अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए फिर दोबारा सहारा के पास ही जाना है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में ही अगर डंप डाटा ले लिया गया है सहारा की तरफ से स्टॉक होल्डिंग को, सॉफ्टवेयर में रहेगा, तो जैसे आप अपना अकाउंट नंबर डालिएगा उसको पता रहेगा कि इस पार्टी का मैच्योरिटी पूरा हुआ कि नहीं हुआ है। अगर पूरा हुआ तभी वो एप्लीकेशन आगे बढ़े, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज क्लियर हुआ कि 31 मार्च 2023 तक काम जिनका मैच्योरिटी पूरा हो गया, पेमेंट ड्यू है, उनका क्लेम लेने जा रही है सीआरसी। और एक चीज और क्लियर हुआ है कि और इसके पहले जितने लोग कंप्लेन कर चुके हैं किसी भी मोड में, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। फ्रेश क्लेम इस पे जो फाइल करेगा उसी को लेके आगे कोई कम्युनिकेशन होगा। तो जो पहले से क्लेम किए हुए हैं, कंप्लेन किए हुए हैं, उन लोगों को भी इस पोर्टल पे शुरू से, जैसे सब लोग करेगा जेन्युइनली, वैसे शुरू करके करना होगा। ऐसा वो नहीं छोड़ दे कि हम पहले कंप्लेन कर दिए हैं तो मेरा भुगतान मेरे अकाउंट में आ जाएगा, वो जो आप किए उसको भूल जाइए। अगर तक आप कंप्लेन किए हैं, पैसा नहीं मिला है, तो आपको फ्रेश इस पे अप्लाई कर देना हो।
ये दोनों चीज क्लियर होगा। और ये भी एक संशय बनी हुई थी कि 2022 तक 2021 तक का ही मेच्योरिटी देगी, तो ये ऐसा नहीं है, 31 मार्च 2023 इसका मतलब कि एकदम लेटेस्ट है। और हो सकता है कि फिर डेट बढ़ा दे कि हाँ 3 महीना आगे जब पूरा हो जाएगा तो फिर आगे का भी ले लेंगे, लेकिन फिलहाल 31 मार्च 2023 तक का इनपुट लिया जा सकता है, जो कि लिंक्ड वेबसाइट पे एक नया लोगो बना के और नया अपडेट आया है उसके अनुसार हम आप लोगों को ये बता रहे हैं। हम भी नहीं बता रहे हैं कि ऑफिशियल साइट है ये, बहुत लोग उस पर रिसर्च कर लिए कि अमेरिका से बना हुआ है, यहाँ से आपका डाटा है, कहीं कुछ नहीं होने जा रहा। सीआरसी का टेस्टिंग वाला वेबसाइट है, जिस तरह से सब लोग जिद पर पकड़े हुए हैं कि हम इसको फेक साबित कर दें, उसी तरह से मेरा भी जिद है कि ये साइट ठीक है और आप लोग एकदम अपडेट रहिए। इस पे अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, जो इसमें बोला गया है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब आप तैयार रखिए, इतना चीज लगना ही लगना है। इसके प्राइवेट पॉलिसी में भी लिखा हुआ है कि ये कौन कौन सा इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकती है आपका, आधार कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, इतना का परमिशन ये ली है और नीचे ऑल राइट रिजर्व मिनिस्ट्री ऑफ ये कोऑपरेशन मिनिस्ट्री का दिया हुआ है। तो इसको अगर फेक रहता तो इस पे अप्लाई हो जाता, ओटीपी आ जाता, आपका फ्रॉड हो चुका रहता, या सीआरसी तुरंत इसको संज्ञान लेती। लोग जा रहे हैं उसके ऑफिस में, मेल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा है कि सीआरसी वाले लोगों को नहीं पता है, सब पता है, जान रहे हैं कि इंटरनल चीज है, लोगों तक पहुंच गया है। हालांकि इससे कोई हानि लोगों को नहीं है, इसीलिए नहीं कुछ बोला जा रहा है। हो सकता है कि 1-2-4 दिन में इसको ऑफिशियली कर देना ही है, क्योंकि 3-7 को डिक्लेरेशन ले लिया गया, मतलब डेली कुछ ना कुछ इसमें प्रोग्रेस हो रहा है। तो यही अपडेट है, घबराने वाली बात नहीं है। एक चीज था कि बैंक अकाउंट नंबर क्या आधार नंबर से डायरेक्ट उठाएगी, तो ये भी कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि एक अपडेट हुआ है आपका जो क्वेश्चन आंसर है उसका फ्रेंक, जो बार बार पूछा जाता है उस वैसा है FAQ, उसमें बोला गया है कि जो आप एप्लीकेशन देते समय अकाउंट नंबर दीजिएगा वो अच्छे से देख कर दीजिएगा और अपडेटेड दीजिएगा। अपडेटेड का मतलब वही हुआ कि आधार पैन मतलब ऑपरेटिव अकाउंट, ऐसा नहीं कि इनएक्टिव हो, पैसा जाए तो वापस आ जाए। तो ये भी संशय जो था कि अकाउंट नंबर नहीं मांगा जा रहा था तो पता नहीं कि किस अकाउंट में मेरे पैसा आ जाएगा, ये भी क्लियर होते जा रहा है कि जरूर एक अकाउंट नंबर जरूर मांगा जाएगा, भले ही बोला जाए कि ये आधार नंबर से लिंक होना ही चाहिए अकाउंट नंबर, पहले स्टेप में मांगा जाए या दूसरे स्टेप में मांगा जाए, मांगा जाना चाहिए अभी के हिसाब से जो उस पे क्वेश्चन आंसर के जवाब में दिया गया है कि जो प्रोवाइड किया जाएगा एप्लीकेशन देते समय उसी अकाउंट में पैसा जाएगा, इसीलिए उसको देख के आप लोग सही सही भरें। इतना ही अपडेट था। अगला था कि सुप्रीम कोर्ट में आज 10 जुलाई को डेट लगा हुआ था IRDA और सहारा LIC वाला, वो डेट चला गया है 1 सप्ताह के लिए और आगे बढ़ गया है। ऑर्डर की कॉपी अपलोड नहीं हुई है, टेंटेटिव डेट दिखाया जा रहा है, तो जैसे ऑर्डर का अपडेट कुछ अगर रहेगा तो जरूर हम आपको बताएंगे, लेकिन अगला डेट उसका 17 जुलाई है। और जो एक और केस था सहारा के स्टाफ लोगों का सैलरी PF सब का भी मामला चल रहा था, तो उसका डेट 21 जुलाई है, मतलब अगले सप्ताह में अब दोनों सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। अभी के लिए इतना ही, जैसे जैसे इस पे साइट पे ऐसा कुछ अपडेट रहेगा जिसका जिसको आप हमको लगेगा कि आपको बताना चाहिए, हम बताते रहेंगे। फेक वाले लोगों को फेक कहने दीजिए, होने यही जा रहा है, ये 200% आप सिक्योर हो जाइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।